फ्रेंड्स, माय नेम इज सुषमा शेट्टी। आज मैं आपको एप्टीट्यूड कैसे क्लियर करते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली एप्टीट्यूड क्या है। एप्टीट्यूड एक एंट्रेंस टेस्ट जैसा है जिसमें जो सिर्फ स्टूडेंट्स एलिजिबल है, जैसे कि जिनको बेसिक नॉलेज अच्छे से आता है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनके लिए एक टेस्ट है। सो वो टेस्ट में जो स्टूडेंट्स अच्छे से अपना आपको प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब जो उनका जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो लिख सकते हैं उस टेस्ट में, उन्हें सिलेक्ट करके बाद में फर्दर राउंड्स में भेजा जाता है। सो एप्टीट्यूड को क्लियर करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स है। हम लोग को अगर एप्टीट्यूड देखना है तो हम लोग उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली हम लोग एप्टीट्यूड को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है जो तुम लोग का क्वांटिटेटिव स्टडी आता है। सेकेंड पार्ट को डिवाइड किया है लॉजिकल रीजनिंग में। और थर्ड पार्ट है इंग्लिश। वी हैव टू इन्वेस्ट मोस्ट ऑफ आर टाइम इन द क्वांटिटेटिव, बिकॉज क्वांटिटेटिव इज बेसिकली द बेसिक्स ऑफ ऑल दैट यू हैव स्टडीड फ्रॉम योर स्कूल लेवल टू योर कॉलेज लेवल। सो इन द क्वांटिटेटिव स्टडीज क्वांटिटेटिव इंक्लूड्स बेसिक मैथ्स फॉर्मुलेज ऑन बॉर्ड मास, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्पीड, टाइम, रिलेटिव डिफरेंसेज एंड मेनी मोर। सेकेंड इज द लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग इज बेसिकली द थिंग वेयर यू हैव बीन टेस्टेड। सो आपका आप कोई भी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हो वो आपका लॉजिकल रीजनिंग होता है। एक गिवन क्वेश्चन होता है, उसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट आपको कौन सा परफेक्ट लगता है वो ऑप्शन, उस केस के अंडर वो आपका लॉजिकल रीजनिंग होता है। लॉजिकल रीजनिंग में भी बहुत सारे टाइप्स है जिसमें क्वेश्चंस कवर होते हैं, जिसमें क्लॉक होता है, आपका डायरेक्शंस होता है, बेसिकली क्वेश्चंस ऑन नॉर्थ साउथ, जो आप लोग फिजिक्स में हम लोग डायरेक्शंस जो पढ़ते हैं, जो वेलोसिटी है, वो सब लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कवर होता है। आपका जो लास्ट पार्ट है वो एक्चुअली बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट का एक बेसिक फंडा जो बोलते हैं हम लोग, वो है इंग्लिश। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का इंग्लिश इतना क्लियर नहीं होता, तो इंग्लिश एक ऐसा पार्ट है जो हर एक एप्टीट्यूड में होता ही है। इंग्लिश का पार्ट में आपको पैसेजेस दिया होता है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सो बेसिकली वो क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। जो पैसेज रीडिंग हम लोग स्कूल में करते हैं, बेसिकली वो एक इंग्लिश का एक पार्ट है। सेकेंड आता है आपका idioms, phrases, antonyms, synonyms, जो वर्ड्स हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स जैसे लिखते हैं, बट एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। सो बेसिकली वो भी एक पार्ट इंग्लिश में कवर होता है। लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारे टाइप्स है, जैसे डिडक्शन है, डिसीजन मेकिंग है। इसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, अगर आपको बोला है कि दो चीज़ है, तो हम लोग उसको अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो हम लोग वेन डायग्राम यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग अगर कोई सिलेक्टेड चीज़ है तो वो यूज़ करते हैं, अगर नहीं है तो कैसे यूज़ करना है। सो वो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आता है। क्वांटिटेटिव में आपने जो इंटीग्रेशन किया है, डेरिवेशन किया है, उतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं लगते, बट जो रिवर्स में अगर हम लोग जाते हैं, अगर हम लोग फॉर्मूलाज जो यूज़ करते हैं, वो क्वांटिटेटिव के अंदर आता है। एप्टीट्यूड क्लियर करने के लिए आपको आपका बेसिक्स पूरा ब्रशअप करना पड़ता है। सो बेसिकली आपका बेसिक्स जो है, जो आप लोग फॉर्मूलाज जो अप्लाई करते हैं, वो फॉर्मूला कहाँ से आया है। हम जैसे बोलते हैं, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, वन नीदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है, तो ऐसा क्यों है? हमको पता है कि वन नीदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है, बट बेसिकली वो क्यों ऐसा है वो नहीं पता, क्योंकि उसके फैक्टर सिर्फ एक है, इसके लिए वो नॉर कंपोजिट नॉर प्राइम है। जबकि आप दूसरे अगर कंपोजिट या प्राइम का कुछ देखने जाते हो तो उसको दो फैक्टर्स होते हैं या चार फैक्टर्स होते हैं। सो बेसिकली वो क्वांटिटेटिव के अंडर आता है। द नॉर्मल मिसकंसेप्शन अमंग द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द एप्टीट्यूड टेस्ट इज दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पास एन एप्टीट्यूड टेस्ट, बट इट्स नॉट। यू कैन क्लियर द एप्टीट्यूड टेस्ट इफ़ यू फॉलो सम गिवन प्रोसीजर्स। As you can see, the aptitude test was divided into three parts: logical reasoning, English, and quantitative. Quantitative requires most of the time than logical reasoning and English. Hence, you have to devote most of your time for quantitative. So, as I said earlier, that quantitative requires the basic concepts or the maths formulas. So, you can't go searching about the maths formulas every now and then when you require the most. Hence, in order to sum up all the maths formulas, I have made this book. So this book contains almost all of the maths formulas that I require when I solve the quantitative questions. You too can make your own formula book like we used to make in 12th standard, 11th standard, like the formulas thing. So quantitative, you can do it by this thing, the maths formula book, or you can make your own
ट्रिकी थिंग्स लाइक अगर कोई सम्स में बहुत शॉर्टकट्स होते हैं तो आप वो शॉर्टकट्स नोट डाउन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही सम में आपको वो शॉर्टकट यूज़ हो, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसको ट्विस्ट एंड टर्न देके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो वो शॉर्टकट्स वहाँ पे भी रिक्वायर हो सकते हैं। जैसे स्पीड का हो, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वेलोसिटी स्पीड का, वो आप यूज़ कर सकते हो, उसको सिर्फ चेंज करना होता है पैरामीटर्स को। सो बेसिकली अगर आप वो छोटा छोटा जो ट्रिक्स होता है अगर आप वो लिख के याद रख सकते हो तो आपके लिए बहुत बेटर है। सो बेसिकली आपका जो मोर मार्क्स जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है कोई भी टेस्ट में, वो क्वांटिटेटिव के अंदर होता है। लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली आपको इंग्लिश आपका ब्रशअप करना पड़ता है उसके लिए, एंड आपको थिंकिंग जो डिसीजन मेकिंग जो पार्ट है उसके अंदर वो आपको देखना पड़ता है। एंड इंग्लिश आपको मोर बुक्स न्यूज़पेपर्स आप जितना पढ़ोगे, आप अपना साइट्स जितना रेफर करोगे, अपना फीड्स कितना पढ़ोगे, वो आपके लिए बेटर होगा। मैं पर्सनली इंग्लिश अपना ब्रशअप करने के लिए या फिर बेटर करने के लिए नॉवेल्स पढ़ती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो हम लोग नॉर्मली डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते, बट वो आपको एप्टीट्यूड के पेपर्स में मिल सकता है। न्यूज़पेपर्स पढ़ना, आपको एडिटोरियल कॉलम्स जो होते हैं वो बहुत बेटर होता है पढ़ने के लिए। प्लस आपके पास ऐसे बहुत सारी छोटे छोटे मैगजीन्स होंगे जो IEEE के मैगजीन होते हैं या फिर कोई जर्नल्स होता है वो आप रेफर करना चाहिए, तो आपको उससे बेटर आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश हम लोग जो नॉर्मली स्कूल्स या कॉलेजेस में यूज़ करते हैं उससे भी आगे है। सो ये एक बेसिक डिस्क्रिप्शन था जो मैंने आपको एप्टीट्यूड क्लियर करने के लिए दिया है। होप आप ये जो मैंने प्रोसीजर्स बोला है फॉलो करें और आपका एप्टीट्यूड क्लियर करें। थैंक यू।